लेते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री, फैक्टराइज 6xy-4y + 6-9x। ओके, सबसे पहले आपको ये चेक करना है टोटल कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं। अब 4 टर्म्स में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। क्यों? मतलब कोई ऐसा नंबर, वेरिएबल या एक्सप्रेशन हो जो चारों टर्म में से कॉमन आ रहा हो? नहीं। कैसे कैसे चेक करो, आप 6xy को क्या लिखोगे? ये जो 6xy है, 6 को लिखा 2 × 3, xy को लिखा (x)y, फिर माइनस कॉपी किया, 4 को लिखा 2 × 2 (y), 4 को 2 × 2 (y) लिखा हुआ है, प्लस 6 को आपने लिखा 2 × 3, माइनस 9 को आपने लिखा 3 × 3 और (x) दिया हुआ है। अब क्या कोई नंबर है जो चारों टर्म में से कॉमन है? नहीं है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। यहाँ 3 मिल जाएगा आपको, यहाँ 3 नहीं मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ नहीं है ना, चारों टर्म में से आना चाहिए। यहाँ x है बट यहाँ नहीं है x, यहाँ भी x नहीं है ना, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है ना, प्रॉब्लम है। ठीक, सो अब क्या करें? तो हम क्या करेंगे, 2-2 टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे। ओके, 2-2 टर्म्स का हम ग्रुप बनाएंगे और कुछ सोचते हुए ग्रुप बनाएंगे। मतलब समझो, देखो देखो इस, ये देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कम से कम y तो दिख रहा है, 2 भी दिख रहा होगा, क्योंकि 2 × 4 होता है, 2, 3 × 6, शायद 2 भी कॉमन मिल जाए। इन दोनों टर्म में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, सोचना पड़ेगा आपको अपने मन में। 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 3 = 9, शायद 3 कॉमन आ जाए, शायद 3 कॉमन आ जाए, देखते हैं क्या होता है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, फिर प्लस के बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, उसके बाद ध्यान से जरा चेक करिए बच्चों, हमने क्या किया, 6 को हमने लिखा 2 × 3 × x, y को हमने लिखा x × y, माइनस 4 को लिखा हमने 2 × 2 (y), फिर ये वाला ब्रैकेट हमने यहां से क्लोज कर दिया, फिर प्लस, ये वाला प्लस कॉपी किया। ठीक है, फिर 6 को आपने क्या लिखना है, 2 × 3, माइनस 9 को लिखना है आपको 3 × 3 और (x) तो है ही, ये ऐसे करेक्ट। अब ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे प्लीज। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है? देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, चलो 2 तो आ गया, यहाँ 3 है लेकिन सेकंड टर्म में 3 नहीं है, नहीं ले सकते हैं कॉमन, यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं ले सकते हैं, यस y है बच्चों, यहाँ पर y है और ये y कॉमन आ जाएगा, तो 2y हो गया बाहर, या 2 × y लिख दो बाहर, 2 × y का मतलब 2y होता है, तो 2y हो गया ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा चेक करो, फर्स्ट टर्म में 2 चला गया, y चला गया, 3 × x बचा, माइनस 2 चला गया, y चला गया, ओनली 2 बचा है, केवल 2, सो 2 कॉपी कर दिया। ठीक, प्लस अब ध्यान दें यहां से क्या कॉमन आ रहा है। देखो बच्चों, कभी कभी हमें माइनस का साइन भी कॉमन लेना पड़ता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी वेट करो, अभी जो नंबर आपको दिखाई पड़ा आप कॉमन ले लो। यहाँ 2 है, क्या यहाँ है? नहीं है। यहाँ 3 है, यस सर, यहाँ 3 है, यस सर, 3 आ गया कॉमन, 3 आ गया कॉमन। ओके, ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में 2, माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, ये वाला 3 बाहर चला गया, 3 × x बच गया, करेक्ट। अब ध्यान दें, 2 × y तो 2y हो गया, ब्रैकेट में 3 × x हो गया 3x, माइनस का 2 प्लस 3 × इन द ब्रैकेट 2 माइनस 3 × x 3x, ये हो गया करेक्ट। ओके, नाउ बच्चों अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर, पता है आपको प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से चेक करो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, अगर आप कर्ली ब्रेसेस ऐसे लगा दो यहां पर तो आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ठीक, अब कुछ तो कॉमन आना चाहिए, बट कॉमन तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से चेक करिए, ये हो गया 2y × 3x - 2, ये हो गया 3 × 2 - 3x। बच्चों आप थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान दें, यहाँ पे 3x - 2 है, लेकिन देखो ना यहाँ पे 3x कैसा है, पॉजिटिव है, 3x के आगे कोई साइन नहीं, मतलब वो पॉजिटिव है, 2 कैसा है, नेगेटिव है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, 3x के आगे माइनस आ रहा है बच्चों, 3x नेगेटिव है और 2 कैसा है, पॉजिटिव है। याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट में बसता हुआ है ये आपको कॉमन लेना पड़ता है, अभी आपने पिछले एग्जांपल्स में देखा था, है ना, तो ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 3x - 2 है, यहाँ 2 - 3x है। सुनो ध्यान से, ये जो 2 - 3x है, ध्यान दें, 2 - 3x को आप
3x माइनस 2 कैसे बनाओगे? क्या करोगे कि 3x पॉजिटिव हो जाए 2 नेगेटिव हो जाए? माइनस कॉमन ले लो। बच्चों इसको बोलते हैं माइनस का साइन कॉमन लेना। आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, इस ब्रैकेट से माइनस बाहर उठा के ले आओ ऐसे। बस आप जैसे ही माइनस बाहर लोगे बच्चों क्या हो जाएगा बताए आपको, 2 के आगे पहले प्लस था, अब साइन चेंज हो जाएंगे, 2 हो जाएगा माइनस का, 3x के आगे पहले नेगेटिव था, अब हो जाएगा यहां प्लस। ये लीजिए, कोई पूछेगा ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसको बोल देना भाई देखो अगर मैं वापस इस माइनस को अंदर भेजूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, वापस से 2 माइनस 3x आ जाएगा। ठीक, तो माइनस आप अंदर से अगर कॉमन ले लोगे तो ये पता क्या बन जाएगा, ये माइनस को आ गया बाहर, हाँ, और 3x अब पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है उसको पहले लिख दो, सो प्लस 3x और माइनस का 2, अब 3x के आगे प्लस तो लिखा नहीं जाता, लो अब 3x माइनस 2 आपको यहाँ पे भी दिखने लगेगा, यहाँ दिख रहा था ना 3x माइनस 2, तो यहाँ पे आपको 3x माइनस 2 अभी नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए तभी तो कॉमन लोगे। तो आपने अपना दिमाग लगाया, आपने क्या बोला 2y इंटू ये हो गया 3x माइनस 2। अब ध्यान दो यहां से माइनस कॉमन ले लो, ले लो ले लो ले लो, और जब माइनस बाहर आएगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहां पहले से ही माइनस होता तो यहां प्लस लगा देते। बहरहाल अभी यहां पर क्या है प्लस है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में अंदर से माइनस कॉमन लेंगे, सो माइनस आया बाहर और ये 3 और इंटू, जैसे ही माइनस बाहर आया, बाहर जैसे ही यहां से माइनस कॉमन आया तुरंत क्या होगा 2 हो जाएगा कैसा नेगेटिव, भाई पहले ही प्लस का था अब माइनस का हो जाएगा, माइनस 3x कैसा हो जाएगा प्लस 3x। ये लीजिए, ठीक है ओके। अब क्या करेंगे 2y इंटू 3x माइनस 2 माइनस 3 इंटू, ध्यान दे बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, जो पॉजिटिव क्वांटिटी उसको पहले लिखो, नेगेटिव वाली बाद में, तो 3x प्लस का 3x लिखा पहले और माइनस का 2 लिखा बाद में, और करली ब्रेसेस क्लोज। अब ध्यान से चेक करो 3x अगर पहले लिखा है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, वेल नोन है ऑटोमेटिकली कि भाई 3x के आगे पॉजिटिव है। ठीक, ये हो गया। अब आप चेक करिए बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2, तो ध्यान दें फर्स्ट टर्म में 3x माइनस 2 और सेकेंड टर्म में भी 3x माइनस 2 कॉमन है, जैसे पहले हम करते थे वैसे अब हम इस सवाल को हैंडल कर सकते हैं। तो क्या मैं यहीं पे कर दूं आगे, हमने क्या किया 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो कर्ली ब्रेसेस में क्या बचेगा, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में से 3x माइनस 2 बाहर चला गया, क्या बचा 2y, सो 2y, ये पूरा सेकेंड टर्म है, 3x माइनस 2 बाहर चला गया, क्या बचा माइनस का 3, सो माइनस का 3 ओके। ये लीजिए, ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब आप क्या करोगे, यहां से कर्ली ब्रेसेस हटा दोगे, यानी कि 3x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 3, 2y माइनस 3, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 3x माइनस 2 इन द ब्रैकेट 2y माइनस 3 ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए अभी मैं यहां पे कुछ बातें और बता रहा हूं, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, बताता हूं मैं, रुक जाओ पहले इतना नोट करो, नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चों फटाफट, नोट कर लिया, चलो अब इसी में आपको मैं कुछ और नॉलेज देता हूँ। क्या नॉलेज देता हूँ, देखिए बच्चों, कुछ बच्चे मेरे को पूछते हैं क्लास में, सर आपने यहाँ से माइनस का साइन क्यों कॉमन लिया, सर आप यहाँ से ले लेते, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, ले लो। तो हम क्या करते, हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते तो 2y के आगे माइनस आ जाता, ये लो इंटू 3x हो जाता कैसा माइनस का, भाई 3x के आगे पहले प्लस था अब क्या हो जाएगा माइनस, 2 नेगेटिव था अब 2 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, 2 के आगे प्लस, प्लस 3 इंटू इन द ब्रैकेट 2 माइनस 3x। ठीक, अब ध्यान दे बच्चों यहां से हो जाएगा क्या, यहां माइनस 2y इंटू, अब ध्यान दे माइनस 3x प्लस 2 को रीअरेंज करके लिखोगे, 2 पॉजिटिव है पहले लिख दो 2 और माइनस का 3x प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3x। अब आप देख रहे हो बच्चों फर्स्ट टर्म में क्या है 2 माइनस 3x, सेकेंड टर्म में भी क्या है 2 माइनस 3x, सो 2 माइनस 3x कॉमन आ जाएगा, सो 2 माइनस 3x कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में माइनस 2y बचा है, माइनस 2y बचा है, और प्लस सेकेंड टर्म में 3 बच गया है, करेक्ट। अब इसको आप थोड़ा सा ठीक से लिख लो, तो मैं यहां फाइनल आंसर कर दूं, क्या आ जाएगा
टू माइनस थ्री एक्स इंटू थ्री पॉजिटिव है पहले लिख दो, माइनस टू आई को बाद में लिख दो, यानी कि थ्री माइनस टू आई, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। क्या आ गया इस बार, टू माइनस थ्री एक्स, थ्री माइनस टू आई। बच्चे बोले कि सर ये क्या कर दिया आपने। सुनो ये भी आंसर सही है, क्यों बताए बच्चों, अगर मैं इसमें से फिर से कॉमन ले लूं माइनस, इसमें से फिर से ले लूं तो एक माइनस इसकी वजह से आएगा, और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूं तो एक माइनस इसकी वजह से आएगा, तो माइनस माइनस फिर से आगे क्या हो जाएगा, प्लस। भाई दिमाग लगाओ ना, सब कुछ मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं माइनस यहां से भी कॉमन ले लूं और यहां से भी ले लूं तो इसके साइन बदल जाएंगे, इसके भी बदल जाएंगे, और जो देखो बात समझो, एक आया माइनस यहां से कॉमन और एक आया माइनस यहां से कॉमन, तो जब यहां से आया तो इसके साइन बदल गया, 3x हो गया पॉजिटिव पहले लिख दिया, 2 हो गया नेगेटिव बाद में लिख दिया, यहां से माइनस कॉमन गया बाहर तो 2y हो गया पॉजिटिव पहले लिख दिया, और 3 हो गया नेगेटिव बाद में लिख दिया, और माइनस माइनस बाहर हो जाएगा प्लस, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है। लो वापस वही बन गया कि नहीं बन गया, जो आपका आंसर आया था एनसीईआरटी में 3x माइनस 2 2y माइनस 3। तो जवाब ये है कि सर यही वाला आंसर क्यों लिखा हुआ है सर बुक में, ये क्यों नहीं लिखा है, तो जवाब ये है कि आंसर हम ऐसा लिखते हैं जिसमें क्या हो, पहले वेरिएबल के टर्म हो फिर कॉन्स्टेंट हो। ये देखो पहले वेरिएबल के टर्म है 3x 2y, फिर कॉन्स्टेंट है माइनस 2 माइनस 3, यहाँ पे क्या पहले नंबर है यानी कॉन्स्टेंट टर्म है फिर वेरिएबल वाले टर्म है, तो पहले वेरिएबल वाले टर्म और फिर नंबर आए तो ज़्यादा अच्छा उसको माना जाता है, आप ऐसे समझ लो आंसर दोनों सही है। ठीक है, इतना नोट करिए, इसी में मैं वेरिएशन करता हूँ अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे, आंसर क्या आ रहा है, 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से आपको करके दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से हैंडल हो सकता है, क्या कोई और भी मेथड है इसको करने का। ठीक, टॉपिक का नाम था क्या, बाय रीग्रुपिंग, है ना, इसकी क्या रीग्रुपिंग और दूसरे तरीके से बच्चों हम लोग कर सकते हैं, देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी, करेक्ट, इसलिए मैं इसको दूसरे मेथड से भी आपको बताता हूँ और आपको भी ट्राई करना है। सिर्फ आप ऐसा मत करिए कि कोई भी क्वेश्चन जस्ट आपका बस सॉल्व हो गया और आप खुश हो गए, अगर और भी मेथड्स हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए बच्चों। ओके, देखिए अब हमने क्या किया, हमने इस बार क्या किया, 6xy को लिखा और माइनस 9x को इसके पास ले आए, माइनस 9 रीअरेंज कर लिया, है ना, और क्या बचा, माइनस 4y बचा और प्लस 6 बचा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि इन दोनों के ग्रुप बनाओगे तो इनके कैसे बनाओगे, है ना, बात समझो, जब इन दोनों के ग्रुप बनाने ना तो पहले प्लस वाला लिखो फिर माइनस वाला लिखो प्लीज। ठीक है, तो आप क्या करो थोड़ा सा और इसको अच्छे से कर लो, 6xy माइनस 9x, प्लस का 6 पहले लिखो और माइनस का 4y आप बाद में लिखो, इससे थोड़ा अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं है, होने को वैसे भी हो जाता, पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने 6 और माइनस 4y को पास पास लिया है, प्लस 6 माइनस 4y और 6xy माइनस 9x को, ना इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करो, इसको ब्रैकेट में बंद करो, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू एक्स तो है ही, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला प्लस यहाँ पे आया, 6 को आपने लिखना है 2 इंटू 3, माइनस 4 को आपने लिखना है 2 इंटू 2 इंटू वाई। ओके, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पर नहीं है, 3 यस सर यहाँ पे भी, एक्स यस सर यहाँ पे भी, ठीक, सो 3x आ गया बाहर, क्या बचेगा, 2 बचेगा y बचेगा, सो 2 बच गया y बच गया और माइनस में 3 बच गया क्योंकि 3x बाहर चला गया, प्लस ना बच्चों यहाँ पे देखिए 2 है, 2 है कॉमन, ब्रैकेट में क्या है 3 है और 3 के आगे इंटू उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, माइनस 2 चला गया बाहर, यहाँ बचा 3, माइनस 2 चला गया बाहर, 2 इंटू वाई बचा, 2 इंटू वाई का मतलब 2y, ये लीजिए 2 इंटू वाई का मतलब 2y, ओके ये लीजिए। अब ध्यान दें 3x यहां से माइनस कॉमन लोगे, नो सर, क्योंकि 2y वेरिएबल वाला टर्म पहले है कॉन्स्टेंट बाद में है, इसको बेचारे को ऐसे ही रहने दो, तो 2y माइनस 3 प्लस, अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में आना चाहिए फर्स्ट टर्म के ब्रैकेट में वही सेकंड टर्म के ब्रैकेट में, लेकिन बच्चों यहां 2y माइनस 3 है, यहां 3 माइनस 2y है, पहले 2y आना चाहिए था फिर माइनस 3, यहां पर 2y तो बाद में आ रहा है,
प्रॉब्लम है। ऊपर से माइनस कट हुआ है, माइनस कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा क्या, माइनस, और टू ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट थ्री हो जाएगा, पहले प्लस था अब थ्री के आगे माइनस होगा, यहां पहले माइनस था अब प्लस होगा, ये लीजिए ठीक। सो यहां से 3x इन द ब्रैकेट 2y माइनस 3 माइनस 2 इन द ब्रैकेट, अब पॉजिटिव वाले को पहले लिख लो, यानी कि 2y प्लस का 2y और माइनस का 3, अब 2y के आगे प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो 2y माइनस 3। अब आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, 2y माइनस 3। सो हम कॉमन ले लेंगे क्या, 2y माइनस 3, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में 3x बचेगा और माइनस सेकेंड टर्म में 2 बचेगा, ये दीजिए, यही आपका आंसर था एनसीईआरटी में। हाँ, अब ऑर्डर चेंज हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3, लीजिए क्या दिक्कत है, आपका आंसर मैच कर रहा होगा, चेक कर लो 3x माइनस 2 इन द ब्रैकेट 2y माइनस 3। सो हम लिखेंगे क्या, फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर 3x माइनस 2 एंड 2y माइनस 3, ओके, तो ये हो गया। अब क्या इसी क्वेश्चन को कुछ और तरीके से कर सकते थे, हाँ स्टूडेंट्स, आइए एक और तरीका ट्राई करते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई कर लो सारे तरीके, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर टेंशन नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते, कैसे, 6xy प्लस 6 ये पास पास लाते, माइनस 4y और माइनस 9x को हम लोग पास पास लाते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ट्राई करने जा रहे हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, ओके। सो यहां से देखिए, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा, और इन दोनों को ब्रैकेट में लिखने से पहले आपको क्या करना है, बस मैं ट्राई कर रहा हूं, जस्ट माइनस कॉमन ले लो, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो 4y कैसा था, नेगेटिव, 4y पॉजिटिव हो जाएगा, 9x पॉजिटिव नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके, क्योंकि माइनस प्लस वापस माइनस, माइनस प्लस वापस माइनस, इसको हम, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हमने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 6 यहाँ बचेगा क्या, एक्स वाई, और प्लस 6 को 6 इंटू 1 लिखा होता अगर तो यहाँ 1 बच जाता, माइनस, बच्चों क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नो, अरे यहाँ 4 है यहाँ 9 है, 4 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 2, अरे भाई ये देखो 2 इंटू 2 इंटू वाई, और प्लस 9 को 3 इंटू 3 इंटू एक्स, लो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से कुछ कॉमन नहीं, मतलब ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है, सर आपने क्यों दिया, सर मैंने इसलिए दिया क्योंकि एग्जाम में आपको कैसे देगा, एग्जाम में आपको सवाल ऐसे ही दे देगा, कैसे, 6xy प्लस 6 माइनस 4y माइनस, लो ऐसे एग्जाम में दे देगा आपको, आपको इसकी रीअरेंज करना पड़ेगा टर्म्स को, पता है तब कॉमन आएगा, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, कुछ फिर बात बन नहीं रही थी, तो आप क्या करोगे, एग्जाम में दिमाग लगाओगे, 6xy और फिर माइनस 9x और प्लस 6 माइनस 4y लिखोगे, और क्वेश्चन जैसे मैंने कराया था वैसा आप कर लोगे, समझे, जैसे भी कराया था इसके पहले हो जाएगा, या फिर आप ऐसा करोगे 6xy लिखोगे माइनस 4y लिखोगे प्लस 6 माइनस 9x, ऐसे भी करा चुका हूँ, वीडियो रिवर्स करके देखिए, ये मेथड भी, ये मेथड दोनों कवर करा चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स।